हेलो फ्रेंड्स, आज कॉन्वर्सेशन है कॉन्वर्सेशन बिटवीन अ कस्टमर एंड अ कैशियर ऑन ओपनिंग ऑफ अ न्यू अकाउंट। जब कभी आप बैंक जाते हैं और आपको एक नया अकाउंट खोलना है तो कैशियर से कैसे बात करनी है, कैसे इंग्लिश में उनके साथ कॉन्वर्सेशन करना है, वो इस कॉन्वर्सेशन में आज हम सीखेंगे। और सबसे पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आगे आने वाले सारे कॉन्वर्सेशंस आपको उचित समय पर मिलते रहें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कस्टमर, आई वुड लाइक टू ओपन अ बैंक अकाउंट। मैं एक बैंक अकाउंट खोलना चाहूँगा। सर्टेनली, निश्चित रूप से आप बिल्कुल खोलिए। डू यू हैव सम फॉर्म ऑफ आइडेंटिफिकेशन, क्या आपके पास कोई पहचान का कोई पत्र है? यस, I bought my passport. Is that okay? हाँ, मैं अपने साथ पासपोर्ट लेकर आया हूँ, क्या वो सही है? We also need proof of your current address. Do you have a utility bill? हमें आपके इस समय का जो एड्रेस है जहाँ पर आप रहते हैं उस पते का भी एक प्रूफ चाहिए। क्या आपके पास कोई भी बिल है? यूटिलिटी बिल मतलब बिजली का बिल या पानी का बिल या टेलीफोन का बिल, उन सब बिल को हम यूटिलिटी बिल कहते हैं। आई हैव इलेक्ट्रिसिटी बिल बट इट इज एट द नेम ऑफ माई लैंडलॉर्ड। हाँ, मेरे पास बिजली का बिल है लेकिन ये तो मेरे लैंडलॉर्ड मतलब जो मकान मालिक होते हैं उनको हम लैंडलॉर्ड कहते हैं। तो बट इट इज द नेम ऑफ माई लैंडलॉर्ड, पर ये मेरे लैंडलॉर्ड के नाम पर है। डू यू हैव योर ड्राइविंग लाइसेंस विद यू, क्या आपके पास आपका ड्राइविंग लाइसेंस है? यस, आई हैव गॉट माई ड्राइविंग लाइसेंस। हाँ, मैं अपना ड्राइविंग लाइसेंस लाया हूँ। वॉट काइंड ऑफ अकाउंट डू यू वॉन्ट टू ओपन, आप किस तरह का अकाउंट खोलना चाहते हैं? एक बार रीड कर लेते हैं। आई हैव इलेक्ट्रिसिटी बिल बट इट इज एट द नेम ऑफ माई लैंडलॉर्ड। डू यू हैव योर ड्राइविंग लाइसेंस विद यू? यस, आई हैव गॉट माई ड्राइविंग लाइसेंस। What kind of account do you want to open? Customer, well, I want a deposit account and a saving account. अच्छा, मैं एक बचत खाता और एक जमा खाता खोलना चाहता हूँ। That's fine, यह सही है। We do both, हम दोनों ही करते हैं। Do you have any proof of income? क्या आपके पास कमाई का कोई प्रूफ है? Yes, I brought my pay slips for the last 3 months. मैं अपने साथ अपने पिछले 3 महीने की पे स्लिप लाया हूँ। Good, अच्छा। You could also apply for a credit card at time. आप इसी समय क्रेडिट कार्ड के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। एक बार रीड कर लेते हैं। Well, I want a deposit account and a saving account. That's fine. We do both. Do you have any proof of income? Yes, I brought my pay slips for the last 3 months. You could also apply for a credit card at time. आप साथी के साथ at time, इसका मतलब होता है साथ ही साथ। आप साथ ही साथ क्रेडिट कार्ड के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इसको हम एक बार और रीड करेंगे। Well, I want a deposit account and a saving account. That's fine. We do both. Do you have any proof of income? Yes, I brought my pay slips for the last 3 months. Good. You could also apply for a credit card at a time. कस्टमर, यस, दैट वुड बी ग्रेट। अरे, ये तो बहुत ही सही होगा, ये तो बहुत ही अच्छा होगा। वॉट एल्स आई नीड टू सबमिट फॉर अप्लाइंग फॉर क्रेडिट कार्ड, मुझे और क्या सबमिट करना होगा जिससे कि मैं क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकूं? वॉट एल्स आई नीड टू सबमिट फॉर अप्लाइंग फॉर क्रेडिट कार्ड, You just need to submit your income tax return slips for that.
आपको केवल अपनी इनकम टैक्स रिटर्न स्लिप हमें देनी होगी या सबमिट करनी होगी इसके लिए, मतलब इसके लिए आपको केवल अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न स्लिप्स ही देनी होंगी। ओके दैट्स फाइन, ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। ओके इफ यू वुड लाइक टू फिल दीज फॉर्म्स, चलिए फिर ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो ये फॉर्म्स भर दीजिए, अगर आप ये सब चाहते हैं तो आप इन फॉर्म्स को भर दीजिए। एक बार रीड कर लेते हैं। यस दैट वुड बी ग्रेट, व्हाट एल्स आई नीड टू सबमिट फॉर अप्लाइंग फॉर क्रेडिट कार्ड, यू जस्ट नीड टू सबमिट योर इनकम टैक्स रिटर्न स्लिप्स फॉर दैट। ओके दैट्स फाइन। ओके इफ यू वुड लाइक टू फिल दीज फॉर्म्स, तो ये हमारा एक कॉन्वर्सेशन था कि बैंक में जाकर आपको कैसे बात करनी चाहिए। तो आगे ऐसे ही सिचुएशन बेस्ड कॉन्वर्सेशन अगर आप चाहते हैं कि आपको मिलते रहें तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, और साथ ही साथ आप बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए जिससे आने वाले सभी कॉन्वर्सेशन का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए।